हाय एवरीवन, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी आलू और ब्रेड का नाश्ता, जो बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो ये आलू की क्विक रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ 6 उबले हुए आलू लिए हैं। अब इन सबको मैशर से या हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। जब ये पूरी तरह से मैश हो जाए, इसे अच्छी तरह से मैश करने के बाद मैंने यहाँ पर 2 से 3 ब्रेड्स को मिक्सी में जार में अच्छे से चला के इसके ब्रेड क्रम्स बना लिए। ये होममेड ब्रेड क्रम्स तैयार है, तो अब इसे डाल देंगे। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच ऑरिगैनो, 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला, 1 बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे इसमें। इसके बाद 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। अब इसमें बारीक कटे हुए धनिया डालकर इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, तो अब मैं यहाँ पर बाइंडिंग के लिए डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो इसमें अरारोट भी डाल सकते हैं या फिर 2 चम्मच मैदा भी ऐड कर सकते हैं। सबको अच्छी तरह से मिलाते हुए एक डो की फॉर्म में ले आना है। देखिए, अब ये डो की जैसे फॉर्म हो गया है, अब ये रेडी है। तो अब हम इसको सेट करने के लिए रखेंगे। तो सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बर्फ़ी की ट्रे ली है। इसे तेल से ग्रीस कर लेंगे, आप चाहें तो थाली में भी ग्रीस कर सकते हैं। पीसेस कट करें तो ये आसानी से निकल जाए। तो अब हम ये डो लेंगे और इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब हम इसको हर जगह से इवनली फैला लेंगे अच्छी तरह से। अब स्पैचुला की मदद से इसे स्मूथ कर लेना है। अब ये सेट होने के लिए इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में हम रख देंगे। ये अच्छे से सेट हो जाए तो अब हम इसके पीसेस काट लेंगे। और मैं यहाँ पर ट्रायंगल शेप दे रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो इस स्टेज पर इसे कट करके फ्रिज में रख सकते हैं, और जब भी इस्तेमाल करने का मन करे 10 मिनट पहले आप इसे निकाल कर डीप फ्राई कर सकते हैं। अब मैंने सारे पीसेस यहाँ पर कट कर लिए हैं, और ये देखिए कितने अच्छे से ये ट्रायंगल शेप में कट हुआ है। बिल्कुल सेम इसी तरह से सब कट कर लेना है। अब चलते हैं फ्राई करने। तो यहाँ पर तेल का टेम्परेचर मीडियम हॉट होना चाहिए। अब हम इसमें एक एक करके सारे पीसेस डाल देंगे। सब पीसेस को डालने के बाद तुरंत इसमें चम्मच ना चलाएं। जब ये अच्छी तरह से सिक जाए एक तरफ से, तब हम इसे पलट के दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है इसमें। तो अब हम इस स्टेज पर इसको निकाल लेंगे। ये बनकर रेडी है, तो हमको इसी तरह से दूसरा बैच भी फ्राई कर लेना है। तो एक एक करके सारे पीसेस तेल में डाल देंगे। इसके बाद थोड़ी देर पका लेने के बाद पलट कर हमको दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेना है। तो अब मैंने इसे सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लिया है। अब इसे तेल से निकाल लेंगे, और ये देखिए कितना क्रिस्प बना है। अब इसको टिश्यू पेपर में निकाल लेना है, और चलिए इसे सर्व करते हैं। तो मैंने यहाँ केचप के साथ सर्व किया। तो फ्रेंड्स, ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए, ये बाहर से बहुत क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।